प्राइम को आपन को स्वागत करछु मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइन्स कठोर हेला ट्रैफिक नियम आइन उल्लंघन कले रद्द हेबो लाइसेंस प्रथम थरो उल्लंघन रे बातिल हेबो लाइसेंस 3 मास पई अस्थाई भाव रे हेबो रद्द सब आरटीओ को चिट्ठी लिखले परिवहन कमिश्नर आखु चाषी केन्द्र सरकार बड़ घोषणा आखुर एफआरपी क्विंटल पिछा 290 टंका को वृद्धि उपकृत हेबे 5 कोटी आखु चाषी घोषणा कले केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल नयागढ़ भापुर ब्लॉक अध्यक्ष नारे जाल दस्तखत करी 80 कोटी हड़प घटना न्याय देवा दावी आदिवासी आंदोलन दस्तखत करथिबा बीजेडी नेता गिरफ दावी अस्त्र शस्त्र धरी शह शह आदिवासी जिलापाल ऑफिस घेराव सुंदरगढ़ राजगांगपुर केसरा माल रे जन आंदोलन डालमिया सीमेंट खणि संप्रसारण पाई जनशुनाणी को विरोध प्रतिवाद रे स्थानीय लोकों मेली कंपनी गेट आगे स्थानीय बासिंदा जोरदार प्रतिवाद प्रदर्शन करछंती निर्वाचन विलंब को नहीं क्षुब्ध हाइकोर्ट मुख्य निर्वाचन कमिशन व मुख्य शासन सचिव को कारण दर्शाओ नोटिस 4 सप्ताह जवाब देवा पाई निर्देश टीका अच्छी किंतु नहीं सिरिंज मयूरभंज बेतनटी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में विचित्र व्यवस्था वैक्सीन नेबा को आसी निराश रे लोक टीकाकरण बंद को नहीं देखा मिलता उत्तेजना तालिबान को वर्ल्ड बैंक रो छटका अफगानिस्तान स्थिति को देखि बड़ एक्शन आर्थिक सहायता बंद कला विश्व बैंक सेपटे चीन देला तालिबानी को सहायता देवार संकेत एवं पुणी जोर थरिला रत्न भंडार मरामती दाबी वर्षा दिने भंडार प्रति बढ़ुची विपद मुह खोलिले सेवायत व परिचालना कमिटी सदस्य राज्य सरकार को निरवता को नहीं उठला प्रश्न संपूर्ण खबर को आसीबा कठोर हेला ट्रैफिक नियम आईन उल्लंघन कले रद्द हेबो लाइसेंस 3 मास पई अस्थाई भाव रे रद्द हेबो लाइसेंस प्रथम थरो नियम उल्लंघन रे मध्य बातिल होई जिवो लाइसेंस एने सब आरटीओ को चिट्ठी लिखिसेंती परिवहन कमिश्नर मद पी गाड़ी चलाइले हेलमेट न पिंधिले लाइसेंस रद्द हेबो सेभली द्रुत बेगरे गाड़ी चलाइले ट्रैफिक नियम न मानिले ट्रैफिक रेड लाइट न मानिले लाइसेंस रद्द हेबो गाड़ी चलाइबा समय मोबाइल व्यवहार कले भूल दिगरे गाड़ी चालना उपरे मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो सुप्रीम कोर्ट का कमिटी रो निर्देश लागू करबा को चिट्ठी रे उल्लेख करा दैछि आखु चाषी केन्द्र सरकार बड़ घोषणा आखुर एफआरपी क्विंटल पिछा 290 टंका को वृद्धि पाई जहाद्वारा प्राय 5 कोटी आखु चाषी और एथसहित जड़ित लोक उपकृत हो पारे से आखु उत्पादन में काम करुवा प्राय 5 लक्ष श्रमिक लाभ पाए आखुरु चीनी होबार रिकवरी 10% रही ए प्रतिशत को आखि आगे रखी निष्पत्ति नियाजाई एने सूचना देखते केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल आधुनिक टेक्नोलॉजी व्यवहार करी आम चाषी रिकवरी रेट को बढ़ा जा पार्थिबा केन्द्रमंत्री कहते से भाव में गत वर्ष प्राय 70 लक्ष टन रप्तानी करी रेकर्ड कर भारत साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2.90 रुपये प्रति क्विंटल और दिया जाता है और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है
तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275.50 रुपये प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। राजधानी एटीएम लुट उद्यम पंड लिंगराज थाना बढ़ईबांक छक एटीएम लुट बेले दुईज लुटेरा काबू कले एटीएम कर्मचारी और स्थानीय लोक एपटे अन्य तीन जन सहयोगी बोलेरो धरी खसी पलायते एने विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रखी पुलिस एम भुवनेश्वर और कटकु अभिनव उपाय एटीएम लुट करते एटीएम मशीन को भांगी एक स्वतंत्र डिवाइस लगाते लुटेरा टेक्नोलोजी व्यवहार कर एटीएम लुटी था पुलिस प्राथमिक तदंतर जानवाक राज्य पौर निर्वाचन विलंब प्रसंगे हाइकोर्ट क्षुब्ध होती तीन वर्ष धरी कहीं पौर निर्वाचन तार जवाब मांगिंट कोर्ट 4 सप्ताह भितर जवाब दाखल करने निर्देश देखते कोर्ट मुख्य निर्वाचन कमिशन मुख्य शासन सचिव को कारण दर्शाओ नोटिस जारी से भले पंचायती राज व नगर उन्नयन सचिव को नोटिस करिसेंती हाईकोर्ट ए मामला परिचालना करथले वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य पौर निर्वाचन विलंब ने जनस्वार्थ मामला रुजु होता कटक पूर्वतन मंत्री समीर दे और पुरीर विधायक जयंत षडंगी करथले जनस्वार्थ मामला तीन वर्ष धरी राज्य पौर निर्वाचन नक एक विराट समस्या निर्वाचन कमिशन भली गोटे संविधानिक संस्था राज्य सरकार चापरे संविधान सहित प्रतारणा करिवे ये कथा संपूर्ण अविश्वसनीय आमे निर्वाचन कमिशन को ये जो आवेदनकारी माने अछंती दरखास्त देले केते गुड़िए राजनीतिक दल तरफर मध्य अनुरोध करागला राज्यपाल महोदय को अवगत करागला मान्यवर राज्यपाल मध्य निर्वाचन कमिशन को तागिदा कले जे 3 वर्ष धरी संविधानिक विधि व्यवस्था को भंग करी राज्य रे निर्वाचन कहीं तेणु निर्वाचन कमिशन सुप्रीम कोर्ट का राय अनुसार हाईकोर्ट को निजे आसवा कथा रेट करने जदि सरकार तांकु सहयोग करूनाहंती बोली से भावुचंती ये कथा मध्य आम निर्वाचन कमिशन को जनईलु जड़े आवेदनकारी समीर दे पूर्वतन मंत्री आउ जड़े आवेदनकारी होती पूर्वतन प्रशासक वरिष्ठ प्रशासक प्रसन्न मिश्र एवं तृतीय आवेदनकारी होती पुरी विधायक जयंत षडंगी तीनोटी जाक रिट दरखास्तर आज एनालोगस हियरिंग होता मान्यवर मुख्य विचारपति डॉक्टर एस मुरलीधर एवं जस्टिस राउतराय इजलास आज कोर्ट मुख्य निर्वाचन कमिशन राज्य निर्वाचन कमिशन मुख्य शासन सचिव पंचायतीराज विभाग सचिव एवं नगर उन्नयन विभाग सचिव को कैफत तलब कर 4 सप्ताह मध्य जवाब दाखल करने निर्देश देते ओटीडीसी नारे 3 कोटी टंका चोलु अभियोग मामला गिरफ भंड बाबा विजयानंदन 2 लाख टंकार जमा अचल कला ईओडब्ल्यू ब्रह्मपुर जने ठिकादार 25 लाख टंका ठकी भंड बाबा ठकेरे बाबा सहित आउ जने सामिल थिबा सूचना मिलछि ठिकादार मानक मनरे विश्वास जन्माइबा पई ओटीडीसी सामना रे डील करथुबा भंड बाबा जना पडछि ठके टंकार एक फिल्म मध्य निर्माण करथुबा सूचना रहउछि गिरफ भंड बाबार बेआईन अर्थ कारबार अधिक खोलताड़ करुछि ईओडब्ल्यू एथिरे आउ के संपृक्त कि ए बाबदे जानिबा पई मध्य खोलताड़ चलछि भंड बाबार बेआईन अर्थ कारबार पर्दाफाश होइछि एटा गोटे जो चंदन आकाश महांती अच्छा आस्टान इंजीनियर और ये कंट्राक्टर अच्छा जी बाबा अच्छा आउ गोटे दुटा लोक अनहोली मेट था बुझे अनहोली मेट था से चंदन आकाश महांती टा पाई बाबा को दिखती बाबा ताकू डाइवर्ट करती अकाउंट को ओटीटीसी ऑफिशियल सिग्नेचरटा को चंदन आकाश महांती इंट्रोडक्शन कहते से प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस करके ओटीटीसी ऑफिशियल सिग्नेचरटा से प्राय प्राय कॉपी सिमिलर कर दे पड़ते संपर्क विषय में छानबीन चलती बर्तमान इनिशियल स्टेज इन्वेस्टमेंट थी संपर्क नाटा डिस्पोज कर।
केन्दुझर जिल्ला रे खणी कार्य को ने बीजेडी रे फाटो सृष्टि होई छि। स्थिति एभळी रही छि जे दलर दुई गोष्ठी भितरे संघर्ष देखिबा को मिलु छि एवं बारंबार ए संघर्ष उग्र रूप मध्ये धारण करू छि। बलाणी खणी रे परिवहन कार्य को ने जिल्ला वरिष्ठ उपसभापति कुश्य आपत को समर्थित बीजेडी कर्मी और चंपुआ विधायिका मीनाक्षी महंतंकर अति घनिष्ठ को आजौतबा जिला बीजेडी संपादक लालटू महांतंकर समर्थक मुहामुही होईछंती। बलाणी थाना रे मामला मध्ये रुजु होईछि। पुलिस कुश आपट को समर्थक बालागोड़ा पंचायत बीजेडी सभापति हेमंत खटुआंकु आज गिरफ करिछि। कोर्ट चालन करुथवा समय रे स्थानीय बीजेडी कर्मी अपरपक्षरे लालटू महांतंक समर्थक जापानी नायक गिरफदारी दाबी करथिले। बलाणी थाना घेराव करबा सहित पुलिस गाड़ी को दीर्घ घंटा धरी अटक रखिथिले। सूचना मुताबक गत सोमवार बलाणी खणीरु एसआर स्टील रो लौह पत्थर गुंड बड़पिल रेल साइडिंग को कुशंक समर्थित बीजेडी कर्मी परिवहन करथुवा बळे लालटू महांतंक समर्थक यहाँ विरोध कर रास्ता अवरोध करथिले। फळरे दुई गोष्ठी भितरे संघर्ष होता जना पड़ी। आउ हेमंत भाई जी सेठी जाई नथिले किछि नै ताकू उठैछन्ती ताकू बड़िल फॉरवर्ड करछन्ती। जापानी जे स्पॉट हेला तार वीडियो भी आम पाखे अच्छे जे मारपीट करथला सेठी ताकू छाड़ी पुलिस वाला कहूँ तार मर्जी रे जीवो कोर्ट को से निजे जीवो सेटा कौन माने पुलिस की कर सब जो 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 एमएलए को नहीं आम जीते आज खोटिकी से एमएलए आमको आज देखुना से नुआ लोक नहीं ग्रुप बनाऊ जो गुड़ाक बीजेपी लोक थे से किसी पैसा पत्र देकर से निज आरोप कहीक मिथ्या गोटे प्रचार कर बुझल ना आठ जिते पुर्णा बजे लोक को से हरा कर आम पिला माने एटा प्रथम से रेक पाई कम करने जाते दुदी थर से गाड़ी अटकैले तेणुकि जो पिला माने मारपीट करते से उठे ना जो मैंने स्पॉट थिले अन्य पिला को उठाई से आम चाहू जे जो पिला मारपीट कर प्रॉब्लम कौन कहीं से मारपीट कर स्पॉट जगह को नहीं जी थे भी उठाई सांगे नियंतुपर आम भी गाड़ी छाड़देव। नयागढ़ जिला भापुर ब्लॉक अध्यक्ष नाँ जाल दस्तखत कर 80 कोटी हड़प घटना भापुर ब्लॉक अध्यक्ष को न्याय देवा एवं जाल दस्तखत बीजेडी नेता गिरफ दाबी आंदोलन होहर हजार हजार आदिवासी आंदोलन देखा मिली। पारंपरिक अस्त्रशस्त्र धरी हजार हजार आदिवासी जिलापा कार्यालय घेराव कर आज अनिर्दिष्ट काल पर्यंत धारणा देवे चेतावनी। 80 कोटी टंका खाई बस पड़ी मत धमक दे मारिदेपी से गयधर पैंडा ज्योति पंडा जोगींद्र स्वईं आरेस्ट करूँ मुढ़ मस रिपोर्ट दे सी आउ भी शुणवार ना मारि बस आरेस्ट करूना कहीं। सुंदरगढ़ जिला राजगंगपुर केसरा मालरे डालमिया सीमेंट खनि संप्रसारण पर जनशुणी को विरोध कर प्रतिवाद में स्थानीय लोक मान मेली कंपनी गेट आगे जोरदार प्रतिवाद करिछंती। स्थानीय बासिंदा रास्ता उपरे गच्छ पकाई रास्ता अवरोध करिछंती। ता सहित पुलिस और प्रशासन को गाँव भितर को प्रवेश करबा को देई नहांती। शेषे प्रशासन पक्षर रास्ता उपरे जन सुनानी करा जायतिला जहार विजुअल आपण देखि पालछंती। समय रे समय छोटो ब्रेक रो ब्रेक पर फिर बा खबर को समवाय दुर्नीति नहीं समवाय मंत्री को टारगेट कला कांग्रेस कहला समवाय मंत्री को जान तरे दुर्नीति चली छि। मंत्री भाई वीरेन्द्र प्रताप स्वईं आठगड़ गुरुडी झाटिया अंचल रे 1 कोटी 9 लक्ष टंकार दुर्नीति रे लिप्त अछंती। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस कथा कहउछंती किंतु ए घटना रे काहे की पदक्षेप नेउ नहंती। ए सरकार दुर्नीति रे पीएसटी करछि चासी कुल संघर्ष करथवा बळे ए दुर्नीति बेडी उपरे कोरोडा माड़ सदृश निजे मुख्यमंत्री पैक्स गुडी को जाई तदारो करंतु बोली आह्वान करछि कांग्रेस। सचिव माने जिला गस्त करिवे बोली कहिथिले कोन हला सचिवक गस्त ए प्रश्न मध्य सामने को आसीछि। तुरंत मंत्री को ऊपर कार्यानुष्ठान सहित मंत्रिमंडल बहिष्कार करंतु नचेत आंदोलन को ओल्लाइब कांग्रेस। ओडिशा रा माननीय मुख्यमंत्री कहउछंती जीरो टॉलरेंस रा कथा करप्शन रे जीरो टॉलरेंस रा कथा कहउछंती माननीय मुख्यमंत्री आउ टिके आगु को दुई पाद जाई कहउछंती कौन ना 5T रा सरकार। मुख्यमंत्री
महाशय बुझिबा दरकार। आपण जेतेबेले राज्यवासी को जो मेसेज दौंती से मेसेज रो क्लारिटी रहिबा कथा। किछि दिन आपण कहउछंती पीसी कारबार रो कथा को आपण बर्दाश्त करा जिवनि बोली कहा जाउथला। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्राय जानुआरी रु मार्च मास भीतर सरीब। दुर्नीतिर गंध ओडिशा शासन रे 21 वर्ष भीतर नवीन बाबू को सरकार 22 वर्ष छुईची। आमे भावुचु सबु सरकार ठारु जदि किए डॉक्टरेट करिचि दुर्नीति रे से होची नवीन बाबू को सरकार। ए जो गुरुड़ी झाटियार जो दुर्नीति 1.9 कोटी टंकार ऊर्ध होला एवं विजु जनता दल वरिष्ठ विधायिका बिंझारपुर विधायिका श्रीमती प्रमीला मल्लिक सरकारी दल मुख्य सचेतक रही निर्वाचन मंडल रे सेवा समवाय समिति रे कोटि कोटि टंकार दुर्नीति आरंभ करी आज ओडिशा तमाम निर्वाचन मंडल रे जदि आकलन करा जाए रजिस्ट्रार पक्षर समीक्षकों पक्षर एवं विभिन्न तदंतर सुपारिश करती रजिस्ट्रार एवं समीक्षक ये दुर्नीति शताब्दीर अन्यतम एक श्रेष्ठ दुर्नीति हम पाखापाखि 10,000 कोटी टंकारु कम ए दुर्नीति हम ना। परवर्ती खबर को आसीबा आदिवासी को अधिकार क्षुण्ण नहीं राज्य सरकार को ऊपर बरसिले राज्य बीजेपी साधारण संपादक रवि नायक। 22 वर्ष धरी आदिवासी प्रतारित होती जंगल आईन हिसाब से आदिवासी मानू पट्टा मिलूनी कि आदिवासी को पट्टा मिली कि धान किणा जाऊनी आदिवासी मैंने ऋण पाई वसुंधरा योजन सुफल मिलूनी एकलव्य मॉडल स्कूल में शिक्षकों को निजुक्ति दि जाऊनी दुर्भाग्य कथा आदिवासी मानू शिक्षा व्यवस्था वंचित कर आदिवासी विधायक विभिन्न विभाग अध्यक्ष से अधिकार वंचित होती आदिवासी को न्याय न मिलने आंदोलन जोरदार करा जिवो बोली पंचायत स्तर को जाई आंदोलन करिवो बोली कहिछंती रवि नायक। बहुत संख्या रे आदिवासी माने भूमिहीन अछंती घर डीह नै वसुंधरा योजना केन्द्र सरकार को योजना अछि वसुंधरा योजना रे 4 डिसमिल 4 डिसमिल से होची ग्रामांचल एवं 2 डिसमिल सहरांचल व्यवस्था हवा कथा ताकू भी कार्यक्रम करा जाऊ नहीं ये होची सबुठारो दुर्भाग्य कथा। समय समय आपण देखुथिबे बहुत गुड़े जते बेले मंत्री थिले जुएल ओराम केंद्रीय आदिवासी व्यापार मंत्री थिले सही समय प्रत्येक ब्लॉक रे 2 गोटे सबु ब्लॉक रे स्कूल करिछंती एकलव्य मॉडल स्कूल सेठी टीचर निजुक्ति करिबा कथा। एकलव्य मॉडल स्कूल ठारु आरंभ करी आश्रम सेवाश्रम स्कूल रे भी टीचर नाहंती ए होची आदिवासी मानक पई सबु ठारु रो दुर्भाग्य विषय सबु ठारु वंचित करा जाउची तांकर शिक्षा व्यवस्था को नेकरा तो ए जो व्यवस्था भितरे आपनकर बैकलॉग आपन प्रत्येक डिपार्टमेंट देखंतु प्रत्येक डिपार्टमेंट रे जो आदिवासी मानकर संरक्षण व्यवस्था भितर आमर बैकलॉग रोचे पूरण करा जाऊनी दृष्टि देखा जाऊनी तो ये देखा जाऊँगी 22 वर्ष शासन कला भितर ओडिशा जो आदिवासी 23% लोक जो प्रकार भाव में प्रताड़न कर आजिकार कार्यकारिणी आज निष्पत्ति नौ आगामी दिन में ए अव्यवस्था को नहीं आंदोलनात्मक भूमिका ग्रहण करिव पंचायत स्तर को जीव ए प्रकार आज कार्यकारिणी। आईआईटी कानपुर स्टडी रिपोर्ट उपरे स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र प्रतिक्रिया एहा स्वागतयोग्य कथा। आईआईटी कानपुर रिपोर्ट कहिथिला जुलाई 15 सुधा 1000 तळ को राज्य रे संक्रमण रहिबो किंतु बहु विलंबरे कमिथिला तांकर प्रेडिक्शन ठीक अछि किंतु ताकु देखि आमे कोहळ हेबा नाही सर्विलांस वैक्सीन को गुरुत्व देबा आवश्यक कोहळ हेले असुविधारे पड़िबा सरकारकर कोन दिग्दर्शन रहिबो कहि हेबो नाही सरकारक पाखरे सबुर तथ्य अछि ताकु देखिके सेप्टेम्बर गाइडलाइन रे निष्पत्ति नेबे सरकार। आईआईटी कानपुर स्टडी कहुचि बेसी ढिला हेबानी कि बेसी कटकणा न रहु सबु जिनिस चालू रखिबा कोविड कटकणा रे वर्तमान आमे द्वितीय लहर रे अछु नियंत्रण भितरे आमे रहिछु कटकणा नियंत्रण बाहर को चली गले संख्या बढ़ी जिवो बोली कहिसेंती डाक्टर विजय महापात्र।
ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେମାନେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, IIT ର ବି ଆମର ଥିଲା, ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 10 ବେଳକୁ ନାହିଁ July 15 ଭିତରେ ଆମେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତେ, 700-800 ସବୁ ଖସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଖସିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖସିନଥିଲେ, ଆମେ 1000-2000 ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କୋହଳ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହଉ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ର ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଆଡଲେସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆସିନାହିଁ, ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ଏଇଟା ଭଲ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଯଦି ଢିଲା କରିବା, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବା। ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭଳି ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଭାଇରସ୍ ରୂପ ବଦଳାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ, ଯଦି ରୂପ ନ ବଦଳାଏ ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମଡେଲ କହୁଛି ଦେଶରେ ଦିନକୁ 4-5 ଲକ୍ଷ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ, ଆଉ କେଉଁ ମଡେଲ କହୁଛି ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। IIT କାନପୁର ସୂତ୍ର ମଡେଲ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଲହରର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଡେଲ ଯାହା କହୁ ସରକାର ସବୁ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DMET CBK ମହାନ୍ତି। ସେଭଳି କଟକ SCB ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ହେବ। ଗତକାଲି ଏନେଇ SCB ମେଡିକାଲରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ସମୁଦାୟ 9 ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି DMET CBK ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସୂତ୍ର ମଡେଲ କ'ଣ କହିଛି, କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 କମ୍ ରହିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ଯଦି ଏଇ କଟକଣା ଲାଗି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ପରିମାଣରେ ମାନେ କଥା ହେଉଛି କୋହଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସେ 2000 ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରୋନା ଟୀକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟୀକା ନେବାକୁ ସିରିଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯଦି କରୋନା ଟୀକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିରିଞ୍ଜ ନାହିଁ, ତ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଟୀକା ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିରିଞ୍ଜ ନଥିବାରୁ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ 24 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପୁଣି ଜୋର ଧରିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଦାବି, ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସେବାୟତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ନିର୍ମାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଯିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆଗକୁ ମରାମତି ନହେଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଗଜପତିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟିର 2 ଜଣ ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ଆସନ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏନେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ମରାମତି ହେବ, ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିଛି ୟା କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତାକୁ ମରାମତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ମନ୍ଦିର, ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଗ୍ରେ, ତାପରେ ଭଣ୍ଡାର ବହୁତ ବଡ଼ ସବୁକିଛି ମାଇନେ ରଖୁଛି, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ମରାମତି ତା'ର ହେବ। ଆଉ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭାଙ୍ଗିଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଯାଇ ମରାମତି ହେବାର ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆମ ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଏଭଳି ପ୍ରଶାସକ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାତି ସେ ସବୁ ନଜର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ, ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରହିବ, କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେଲରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ବାଧି ଗାଁରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜନ କୁମାର ସାହୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏରିୟର କରିଦେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଆଜି 4000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଛି ତାଙ୍କୁ।
ଭଦ୍ରକ ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତା ସହିତ କାଠ ଜବତ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ସ୍ଥିତ କେନାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ କରତକଳ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରତକଳର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ କାଠ ଜବତ। ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠୁ ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।